हाय फ्रेंड्स, तो एक बार एक गधा था जिसका क्या नाम था? भोलू। वो बहुत आलसी था, रोज रात को देर से सोता था और रोज सुबह देर से उठता था। अब वो देर से उठता था तो काम पर भी देर से जाता था और उसका जो मालिक था वो उसको एक जोर से पंच करता था। कैसे? ऐसे जोर से पंच करता था। तो एक दिन बोलू गधा जोर जोर से रो रहा था। कैसे? ऐसे करके जोर जोर से बोलू गधा रो रहा था। इतने में उसका दोस्त वहां पर आता है। कौन? कुकड़ुकड़ू मुर्गा। और कुकड़ुकड़ू मुर्गा बोलू गधे से पूछता है, अरे भाई बोलू गधे, क्यों रो रहे हो? बोलू गधा कहता है, क्या बताऊं, मैं रोज रात को देर से सोता हूँ, रोज सुबह देर से उठता हूँ, काम पे देर से जाता हूँ और मेरा मालिक मुझे जोर से मारता है। तो कुकड़ू कुड़ू मुर्गा बोलता है, अरे बस इतनी सी बात? ये भी कोई बात है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज सुबह उठा दिया करूँगा। अब बोलू गधा बड़ा खुश हो जाता है और बोलू गधा बोलता है, अरे वाह, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और ये बोल के दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और सो जाते हैं। कैसे? अब सुबह हो जाती है, सन आ जाता है, सन के साथ में बर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन बोलू गधा तो सो रहा है। क्यों? क्योंकि बोलू गधा तो देर से उठता था। फिर बोलू गधे को उठाने के लिए आया कुकड़ुकड़ू मुर्गा। और कुकड़ुकड़ू मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ुकड़ू कुकड़ुकड़ू कुकड़ुकड़ू। पर बोलू गधा तो सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, सोए जा रहा है, उठ ही नहीं रहा। वो कुकड़ुकड़ू मुर्गा ने 1 time, 2 time, 3 time, पूरे 10 times कुकड़ू कुड़ू बोला, पर बोलू गधा तो नहीं उठा और कुकड़ू कुड़ू मुर्गा वहां से चला गया। अब बोलू गधा दिन में सोकर उठता है, देखता है, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? देर से काम पे जाता है और उसका मालिक जोर से उसे एक पंच करता है। कैसे? ऐसे। अब बोलू गधा फिर से रोने लग जाता है। इतने में वहां कौन आता है? उसकी दूसरी दोस्त मोती गाय। मोती गाय कैसे बोलती है? मू। और वो बोलू गधे से पूछती है, अरे भाई बोलू गधे, तुम क्यों रो रहे हो? बोलू गधा बोलता है, क्या बताऊं, मैं रोज शाम को देर से सोता हूँ, रोज सुबह देर से उठता हूँ, काम पे देर से जाता हूँ और मेरा मालिक मुझे जोर जोर से मारता है। तो मोती गाय बोलती है, अरे इतनी सी बात? ये भी कोई बात है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें रोज सुबह उठा दूंगी। बोलू गधा खुश हो जाता है और बोलते है, अरे वाह, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और दोनों चले जाते हैं अपने घर सोने के लिए। कैसे सोते हैं? सन आ जाता है, मॉर्निंग हो जाती है, बर्ड्स आ जाती है, फ्लाई करती है। तो बोलू गधा तो सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। मोती गाय आती है और बोलू गधे को उठाने के लिए। कैसे? मोती गाय उसको आवाज लगाती है, मोती गाय आवाज लगा रही है, बोलू गधा नहीं उठा। वन मोर टाइम, मोती गाय फिर भी नहीं उठा, बोलू गधा फिर भी नहीं उठा। अब 1 time, 2 time, 3 time, पूरे 10 times, बट बोलू गधा नहीं उठ रहा। मोती गाय थक के वापस चली जाती है। बोलू गधा दिन में उठता है, देखता है, ये क्या हो गया? आज फिर मार पड़ेगी। अब वो काम पे जाता है और उसको फिर से मार पड़ती है। कैसे? ऐसे करके मार पड़ती है। बोलू गधा फिर से रो रहा है। कैसे रोता है बोलू गधा, रो के दिखाओ। एक और दोस्त वहां पे आता है।
कौन? भिन भिन मक्खी। कैसे करती है भिन भिन मक्खी? और वो भोलू गधे से पूछती है, अरे भाई भोलू गधे क्यों रोते हो? भोलू गधा कहता है, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बताओ बताओ क्यों रोते हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना, मैं रोज देर से सोता हूँ, रोज देर से उठता हूँ, काम पे देर से जाता हूँ, मार खाता हूँ, मैं बड़ा गधा हूँ। भिन भिन मक्खी बोलती है, अरे इतनी सी बात, मैं उठा दूंगी तुमको सुबह। भोलू गधा कहता है, मुझे कोई नहीं उठा सकता, मैं बिल्कुल नहीं उठता सुबह, मैं बहुत बड़ा गधा हूँ। भिन भिन मक्खी बोलती है, मुझ पे विश्वास करो, मैं तुम्हें सच में उठा दूंगी। भोलू गधा डाउट में घर चला जाता है, लेकिन भोलू गधे को नींद नहीं आती। भोलू गधा क्या करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर घूमता जाता है, घूमता जाता है। फिर उसे नींद आने लगती है और वो अपना मुंह पानी से धोता है जल्दी जल्दी। फिर उसे इधर से उधर, उधर से इधर घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, और फाइनली थक हार के सो जाता है। अब सन आ गया, मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग में भोलू गधे को उठाने के लिए कौन आया? भिन भिन मक्खी। वो चारों तरफ घूम रही है भोलू गधे के, कैसे लेकिन भोलू गधा नहीं उठ रहा। वो उसके कान के पास जाती है और बोलती है, भोलू गधा फिर भी नहीं उठा, बड़ा ढीठ है, उठता ही नहीं है। अब वो क्या करती है, वो उसके छत से नाक के अंदर घुस जाती है। वो नाक के अंदर जैसे ही भोलू गधे के घुस जाती है, भोलू गधा और कैसे आ आ आ आ भिन भिन मक्खी बाहर आ जाती है और भोलू गधा एकदम से उठ जाता है। बोलता है, अरे वाह, मैं उठ गई हूँ मॉर्निंग में, थैंक यू भिन भिन मक्खी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। भिन भिन मक्खी को थैंक यू बोलता है, भिन भिन मक्खी अपने घर चली जाती है और भोलू गधा काम पे चला जाता है। उसका मालिक उसे देख के बड़ा खुश होता है और इस बार वो उसको नहीं मारता, प्यार करता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? A friend in need is a friend indeed. Thank you.